अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हू हैड नेक एनाटॉमी, मेरे सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है सबको ईयर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको बहुत इजी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है जो बाहर से विजिबल होता है, दरमियान में मैपस मिडल ईयर होता है, एंड सबसे अंदर की साइड पर मैपस होता है इनर ईयर, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, वो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक्सटर्नल और मिडल ईयर का क्या काम होता है, ये मैपस कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इनर ईयर उन साउंड वेव को परसीव करता है, उन्हें ट्रांसमिट करता है टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इक्विलिब्रियम की सेंस क्रिएट करता है उस साउंड के रिस्पांस में, ठीक है। किस तरह से करते हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप एक इंपॉर्टेंट बात जो उसने शुरू में डिस्कस की हुई है स्नेल्स के अंदर, कि जब हमारे पास एक्सटर्नल ईयर में वेव्स आती हैं तो वो एयर बॉर्न वाइब्रेशन वेव फ्रंट्स होती हैं, ठीक है। जब ये एयर बॉर्न वाइब्रेशन वेव फ्रंट्स पहुंचती हैं मिडिल ईयर के पास, तो मिडिल ईयर इन एयर बॉर्न वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर लेता है सॉलिड बॉर्न वाइब्रेशन में। ये याद रखना है, किसमें कन्वर्ट कर लेता है, सॉलिड में, ठीक है। इसलिए इस एरिया को थोड़ा थिकन कर दिया ताकि समझ आए कि क्या है सॉलिड बॉर्न वेव फ्रंट्स में इसको कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि मिडिल ईयर में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बोनी होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एयर बॉर्न वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ये। अब ये जो सॉलिड बॉर्न वाइब्रेशन है, ये ट्रांसमिट होती है इनर ईयर की तरफ, और इनर ईयर को भी सॉलिड पसंद नहीं आता, क्योंकि इनर ईयर में कॉकलिया है और कॉकलिया के अंदर फ्लूड है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लूड बॉर्न एयर वेव फ्रंट्स में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्लूड बॉर्न वेव फ्रंट्स में, और फिर ट्रांसलेट होती है इनटू साउंड। अब हम आते हैं अपने मेन काम के ऊपर, मेन काम क्या है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है। ऑरिकल जो है वो ये होता है पिन्ना जो बाहर से विजिबल होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ बुक में, ये हमारे पास जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरिकल पूरे का पूरा, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, तो ये एक्सटर्नल ईयर के दोनों पार्ट्स हैं। अब ऑरिकल का क्या काम होता है, ऑरिकल का काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और डायरेक्शन को लोकलाइज करना। इसकी मदद से हमें थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में आइडिया होता है, लेकिन लोअर मैमल्स को होता है, ह्यूमंस में एज सच इसके फंक्शन के ऊपर अभी भी क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि आप किसी एनिमल को देखें तो जिनके कान थोड़े ऑरिकल वाला रीजन थोड़ा लेंथी होता है, जिस तरफ साउंड आती है उस तरफ वो अपने हेड को रोटेट कर लेते हैं, ऑरिकल की डायरेक्शन भी उसी तरह की कुछ क्रिएट हो जाती है, उनके ऑरिकल्स जो हैं वो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के अंदर एज सच फंक्शन इसका नहीं है। अब ऑरिकल के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑरिकल का ये सबसे ऊपर जो पोर्शन है, सुपीरियर पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेलिक्स बोलते हैं। और ये जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, जिसमें टॉप्स वगैरह भी पहनती हैं गर्ल्स, बॉयज भी पहनते हैं, खैर इसको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती, इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होती। सो ये हेलिक्स है, ये ऑरिकल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये आपसे पूछा भी जाता है और कहा भी जाता है कि इसको पॉइंट करें तो अपने कान के बिल्कुल जो है वो पीछे की तरफ जो प्रोजेक्शन जाती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रैगस। और ट्रैगस क्या करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को थोड़ा सा कवर कर रही है। तो ऑरिकल के कौन से पार्ट होते हैं, हेलिक्स होता है, ये लोब्यूल होता है, ये हमारे पास ट्रैगस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिप्रेशन होती है ना, जो लेड करती है टूवर्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं कॉन्का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चार पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहें तो ये एंटी हेलिक्स है, ठीक है। ये क्या है, एंटी हेलिक्स है, और ये आगे हेलिक्स के क्यूरारा है, ठीक है। क्यूरारा या पता नहीं व्हाटएवर जो भी है, ये एंटी हेलिक्स क्या है, क्रूरा, हाँ क्रूरा है ये एंटी हेलिक्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलिक्स हो गया, ये हमारे पास लोब्यूल हो गया, ये ट्रैगस हो गया, कॉन्का हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, एंटी हेलिक्स है, और ये क्रूरा है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कौन सा पोर्शन, हेलिक ऑरिकल या पिना का पोर्शन, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो बच्चों ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसके दरमियान में प्रेजेंट होता है, ऑरिकल के और हमारे पास टेम्पनिक मेम्ब्रेन के दरमियान में, आगे टेम्पनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो ऑरिकल ने साउंड वेव्स ली हैं उनको ट्रांसमिट करना टूवर्ड टेम्पनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी एकॉस्टिक मीटस भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कह सकते हैं, इसको आपने याद रखना है कि इसका जो लेटरल थर्ड होता है ना, जो बाहर वाला होता है, लेटरल थर्ड जो है वो कार्टिलेजियस होता है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जबकि जो इनर या मीडियल टू थर्ड पोर्शन है ये हमारे पास बोनी होता है, टेम्पनिक प्लेट होती है जो टेम्पोरल बोन की, उससे ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है इसका, इसमें क्या होता है, इसमें स्किन होती है, ठीक है, और इसके ऊपर हेयर्स भी पड़े हुए होते हैं, और हमारे पास इसके अलावा इसके ऊपर सेबीशियस ग्लैंड और क्यूमिनस ग्लैंड भी होते हैं, जिनका काम होता है एक वैक्स सिक्रीट करना। वो वैक्स और हेयर मिलकर क्या करते हैं, बैरियर प्रोवाइड करते हैं फॉरन पार्टिकल्स के, और फॉरन पार्टिकल्स यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बाहर वाला ऑरिकल पढ़ लिया, ऑरिकल के बाद हमने क्या पढ़ ली, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस पढ़ ली। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस और ऑरिकल की नर्व सप्लाई की बात करते हैं, देन हम टम्पनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल ईयर में आपने क्या पढ़ा है, हेलिक्स, ट्रैगस, कॉकलिया,
लोब्यूल कॉर्न का, और इसका काम होता है साउंड कलेक्शन और लोकलाइजेशन में। उसके अलावा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ठीक है। इसका आउटर थर्ड जो है वो इलास्टिक है, मीडियल टू थर्ड क्या है बोनी है, और इसमें सेबेशियस ग्लैंड, क्यूमिनस ग्लैंड्स और हेयर्स होते हैं जो बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनकी नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो ऑरिकल की जो नर्व सप्लाई है उसको आप याद रखें फोज से, ठीक है। फोज की स्पेलिंग आप FOAG कर लें, ठीक है। एफ से हमारे पास मुराद हो जाता है फेशियल नर्व और जी से हो जाता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल की कुछ ब्रांचेस हैं लेकिन ये मेन सप्लाई नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लाई है। मिडिल वाली दोनों जो है वो मेन सेंसरी सप्लाई है ऑरिकल के लिए। ओ से हमारे पास बनता है ऑसिपिटल नर्व, सो लेसर ऑसिपिटल नर्व, और ए से ऑरिक्यूलर बनता है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। लेसर एंड ग्रेटर ऑरिक्यूलर एंड ऑसिपिटल नर्व ये ऑरिकल की सप्लाई है, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की डिफरेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की क्या सप्लाई है? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल एंड ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व एंड देन ऑरिक्यूलर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। ऑरिक्यूलर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व जो है वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को भी और टेम्पनिक मेम्ब्रेन के भी आउटर पार्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन क्या होती है। आपको एक्सटर्नल ईयर समझ आ गया, बस इसमें यही पार्ट होते हैं। अब जो हमने पढ़ा के बाहर हमारे पास क्या था? ऑरिकल था, यहाँ पर हमने पढ़ ला एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस था। अब इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पे ना यहाँ पे एंटीरियरली इन्फीरियरली और लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेम्पनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरह से ये ओरिएंट हुई भी होती है और ये कनकेव होती है, ठीक है। ये अंदर से थोड़ी कनकेव होती है और इसकी कनकेविटी पे एक डिप्रेशन प्रोड्यूस हुई भी होती है। उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं ओम्बो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओम्बो। और वो ओम्बो क्यों प्रोड्यूस हुई है कनकेविटी पे? क्योंकि इस कनकेविटी वाली जगह पे सेंटर में हमारे पास मेलस का हैंडल अटैच होता है और मेलस के हैंडल की वजह से ना जाहिर है कोई भी इलास्टिक मेम्ब्रेन होगी उसमें जब कोई चीज अटैच होती है तो डिप्रेशन बन जाती है, ठीक है। तो मेलस के हैंडल की वजह से यहां पे एक डिप्रेशन बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओम्बो। तो टेम्पनिंग मेम्ब्रेन में यहां पे एक डिप्रेशन होती है बिल्कुल सेंटर में जिसे हम बोलते हैं ओम्बो, और वहां पे क्या है? मेलस का हैंडल अटैच होता है। अब अगर हम इसको ऑटोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये जो ओम्बो बना हुआ होता है ना, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने जो है वो लाइट की वजह से, एलिमिनेशन की वजह से कॉर्न ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्न ऑफ लाइट, जो ओम्बो के एंटीरियरली और थोड़ा इन्फीरियरली प्रोड्यूस होती है तो इसको हम कहते हैं कॉर्न ऑफ लाइट। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट बात कह रहा है कि हमारे पास जो इसका सर्कमफेरेंस होता है टेम्पनिक मेम्ब्रेन का, अगर हम इस तरह से इसका सेक्शन लेके देखें तो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है इन डायामीटर, ठीक है। सुपीरियरली ये यहाँ से डेफिशिएंट होती है, ठीक है। जहाँ से डेफिशिएंट होती है वहाँ पे क्या बनती है? नॉच। अभी हम डायग्राम देखेंगे। सुपीरियरली ये डेफिशिएंट होती है और वहाँ पे क्या बनी भी होती है? नॉच, ठीक है। इस नॉच के इर्द गिर्द फोल्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीरियर मिलियोलर फोल्ड एंड पोस्टीरियर मिलियोलर फोल्ड। ये दोनों फोल्ड मेलस के लेटरल प्रोसेस थे। ये मेलस का फॉर एग्जांपल हैंडल है और यहां पे प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से ओम्बो। ये जो मेलस का लेटरल प्रोसेस है इसके ऊपर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर मिलियोलर फोल्ड अटैच होते हैं। इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिलियोलर फोल्ड की अटैचमेंट की वजह से यहां पे जो ट्रायंगुलर टाइप सा एरिया बन जाता है इसे हम बोलते हैं पार्स फ्लेसिडा। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्स फ्लेसिडा। और ये जो बाकी मेम्ब्रेन सारी बच जाती है इसे हम बोलते हैं पार्स कैंसा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहां पे हमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये हमारे पास क्या होती है सर्कमफेरेंस। इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर होता है। सुपीरियरली ये डेफिशिएंट और हमारे पास एक नॉच बनी हुई है, ठीक है। इस नॉच के अराउंड ये एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड है, ये पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड है, जो किस पे आपके लग रहे हैं? मेलस के लेटरल प्रोसेस पे। ये जो ऊपर ट्रायंगुलर इसका एरिया है सारे का सारा, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्स फ्लेसिडा। और बाकी वाले को क्या बोलेंगे? पार्स टेंसा बोलेंगे। और ओम्बो के सामने हमारे पास क्या बनती है? कॉर्न ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन थी सारी की सारी। अब टेम्पनिक मेम्ब्रेन की अगर हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो आउटर सेगमेंट में ऑलरेडी आपको बताया था कि इसको कौन सप्लाई करती है, यही ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व और ऑरिक्यूलर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। और इनर साइड पे यहाँ पे इनर साइड पे इसको कौन सप्लाई करेगा? इनर साइड पे इसको सप्लाई करेगी ग्लॉसोफेरेंजियल की टेम्पनिक प्लेक्सस सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? एक्सटर्नल ईयर का ऑरिकल था, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ ली है टेम्पनिक मेम्ब्रेन पढ़ ली, और उसको इस सेक्शन में भी बता दिया है आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए। होप आपको समझ आ गई होगी। बुक में ये जो ग्रीन कलर की स्नैप्स के अंदर दिखाई दी है ये है हमारे पास टेम्पनिक मेम्ब्रेन। और टेम्पनिक मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये हमारे पास मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है और साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट करती है क्योंकि ये मेलस के साथ अटैच होती है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनर ईयर को पढ़ेंगे, मिडिल ईयर को सॉरी पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है बिल्कुल। इसकी तरह इंपॉर्टेंट चीज इनकी नर्व सप्लाईज हैं जो आपने याद रखनी है।